आज सुबह सुबह का टाइम था तो मैंने नाश्ता वगैरह किया, तो मैं निकल पड़ा अपनी वर्कशॉप वाली साइड पे। तो जब मैं वर्कशॉप में पहुंचा तो मैंने वर्कशॉप का ताला खोला बिस्मिल्लाह पढ़ के। जैसे ही ताला खोला और मुझे अल्लाह ने रोज़ी भेज दी, तो फिर जब मैंने इसको देखा तो इसके आगे रेस जो थी फंस जाती थी, पैडल के बीच में मिट्टी थी काफ़ी सारी, जिसकी वजह से रेस इसकी जाम हो जाती थी। तो गाड़ी को निकाल के फिर हो गया नमाज का टाइम, तो मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज के फ़ौरन बाद एक मेहरान आ गई हमारे पास। मेहरान का एक मसला था, इसके जो पेट्रोल वाला फिल्टर होता है उसके बीच में पानी आ गया था, पेट्रोल गंदा डलवाते रह गए हैं कस्टमर इसमें। तो हमने फ़िल्टर में से सारा पानी निकाला और इसकी टैंकी में भी बहुत सारा पानी था वो भी हमने निकाला। ये देख सकते हैं कि आप ट्रे में इसकी कितना सारा गंदा पेट्रोल कस्टमर डलवाते रह गए हैं गंदे पंपों से। आप कोशिश किया करें कि अपनी गाड़ी में पेट्रोल किसी अच्छे टोटल के पंप से डलवाया करें, टोटल का पेट्रोल सही होता है। और उसके बाद जब हमने इसका पिछला व्हील उठाया तो इसका बैरिंग भी आवाज़ था, बैरिंग भी बहुत गंदी आवाज़ थी इसकी। बैरिंग भी हमने नया मंगवा लिया है, इसका नाची का जापानी बैरिंग मंगवाया है हमने। जापानी तो वैसे नहीं होता, ये सब कुछ जो है पाकिस्तान में ही आजकल बन रहा है। और उसके बाद जब हमने नीचे निगाह मारी तो गाड़ी नीचे से लगी हुई थी इनकी, ये चिमटा वगैरह सारा इसका टेढ़ा था, इसका काम सस्पेंशन का होने वाला था। तो हमने कस्टमर को टाइम दे दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।